वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज कम से कम कल एक महीने के बाद यहाँ अच्छी धूप निकली। कल और रात बारिश हुई थी तो आज फिर से धूप निकल गई, लेकिन इतनी अच्छी नहीं निकली लेकिन निकल गई। सर्दी से राहत है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोंछा रसोई में, और इधर लगा रखी है मैंने मशीन, कपड़े धुल रहे हैं मेरे, आज कपड़े पड़े हैं, और इधर खेल रहे हैं बच्चे। कमरे में पोंछा लगा दिया है मैंने और ये बच्चे खेल रहे हैं। इधर सारा साफ हो गया है, तो कंबल थोड़ा बहुत बाहर धूप लग जाए तो इधर सुखा रखा है, इधर धोया है सारा। ये बारिश हुई थी ना, गंदा हो गया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ लगा रही हूँ मैं पोंछा। गैस साफ कर लिया है मैंने, जो गैस के बर्तन होते हैं ये वाले, इनको साफ कर ली। रात जाके ठंड से राहत मिली है हमें। कल भी अच्छी धूप निकली थी, कल तो बहुत अच्छी धूप निकली थी, लेकिन आज फिर से धूप निकल गई। कोई कम से कम कोई एक महीना हो चला धूप को निकले हुए, बिल्कुल सर्दी सर्दी बस। धुंध कोहरा। तो आज मशीन लगाई, कल बच्चों को नहला दिया था, अभी एक दिन छोड़ के एक दिन ही लाते हैं बच्चों को सर्दी में। तो आज कपड़े धुले हैं सारे, इकट्ठे रखे हैं, सूख जाएंगे अच्छे से। तो गाइस पोंछा लगा लेती हूँ मैं रसोई में, फिर खाना पीना खाएंगे, फिर मिलते हैं बाद में आपसे। गाइस मेरा पोंछा वोंछा लग चुका है सारा, और अब खाना बनाने की तैयारी करेंगे। खाना सब्जी बना रखी है, आटा लगा रखा है, बस रोटियां पका ली हैं, बस खाना बनाएंगे और खाएंगे, फिर मशीन कपड़े धोएंगे। बनाई मैंने आलू गोभी मटर की सब्जी, देख सकते हो आप। और इधर आटा लगा के पेड़े बना के रख देती हूँ, फिर सीधा रोटी बनाने का काम रहता है मेरा। और इधर आज मलाई भी चलानी है मैंने, मलाई बाहर निकाल के रखी है ताकि थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर पे आ जाए, थोड़ी गर्म सी हो जाए। ठंड में बहुत मुश्किल होता है मक्खन निकालना, इस वजह से। यहाँ पर बच्चों की बोतलों को भी उबाल के रख दिया था मैंने। तो चलते हैं गाइस, बनाते हैं रोटी, खाते हैं खाना पीना। और बच्चे को देखो, इधर देव कैसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये आरो हमारी बहुत शैतान है, ये सबको खेलने नहीं देती बिल्कुल भी। कानू बाय बाय कर दो, हेलो हेलो कानू, हेलो करो, बाय ऐसे ऐसे बाय, आला बाय कर दो, बाय कर दो, बा बाय कर रहा है सबको। इसे बस खाने की पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, है ना आरो? क्या खाना है? और कल इसने गुड़िया के बाल सारे पांच पैकेट लिए थे इसने, सबको खा लिए। कल बाजार गए थे हम जो गाइस, अब खाना खाने लगे हैं हम। और नीचे थोड़ा गीला हो रहा है, पोंछा लगाया है ना, इस वजह से बेड पे खाना पड़ेगा, वरना हम बेड पे खाना नहीं खाते हैं। नीचे गीला हो रहा है, थोड़ा पोंछा लगाया था ना, इस वजह से। आप भी खा लो, आ जाओ सब खाना। Bye.
क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ाएगा? मैंने भी लेट इतनी आई थी। कोई नहीं देखता मुझे। अरे टाइम नहीं मिलता आंटी जी, रोज सोचती हूँ बनाओ बनाओ। इधर डैडी यहाँ बनाओगे मनाओगे? हाँ।